आई एम सो सॉरी दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव। पाजी मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, हमेशा इससे प्यार करूंगा और सारा दिन बैठ के इसके गुलाब जैसे होंठ देखता रहूंगा। अब क्या बोल रहे हैं आप, ठीक तो है? ऐसा तो नहीं कोई दवाई गलत काम कर गई, क्या हो गया? अरे नहीं कुछ नहीं गलत हुआ। देखो मैं दिल से कह रहा हूँ और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जानू, तुम्हारे पापा बहुत प्यारे इंसान है, कभी झगड़ा नहीं करूंगा। मुझे कंफर्म हो गया आपको किसी बात का स्ट्रेस है, मुझे पता नहीं है, प्लीज बताइए क्या बात है, क्या स्ट्रेस है? नहीं बाबा मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं उस दिन गुस्से गुस्से में बोल गया था ना कि तुम्हारे पापा ने भिखारी के कटोरे में से 1 रुपया उठाया, वो उन्होंने नहीं उठाया, भिखारी झूठ बोल रहा था, कमीना था, तुम्हारे पापा बड़े अच्छे हैं। सच? हाँ। भगवान जब फाइनली सब कुछ इतना अच्छा हो ही गया है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? घूमना नहीं, मैं घूमता हूँ, मेरे को चक्कर आ जाते हैं। कैसी वाला घूमना? पेरिस चले? पेरिस बिल्कुल। देखो बेबी मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मुंह पेरिस वाला नहीं है, तुम्हारा मुंह बोरीवली के बोरी जैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे भी बेबी आपके पास पासपोर्ट तो है नहीं। अच्छा तो घर के लिए एक 4-व्हीलर ले ले, बेस्ट 4-व्हीलर क्या देते, मोपड़ है हमारे पास, अपने पापा से अगर स्कूटर देते बीच में डंडा डाल के बना देते इसका कुछ। ये काम करो, अपने पिताजी से कहो इसमें इंजन डलवा दे बकरी में, दूध तो देती नहीं, क्या माइलेज दे दे। जानू तुम क्यों देखो मजाक करते रहते हो? बेबी फॉर्मेट ही है ये शो का। अब तुम करो ना, मैं भी ना करूं तो काम खराब हो जाएगा। करना पड़ता है। अच्छा तो फिर एक काम करते फाइनली। हाँ। एक क्यूट सा कुत्ता ले लेते घर के लिए, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता भी है मेरी और तुम्हारे भाई की बनती नहीं, फिर इसका मतलब ये है नहीं। आपने मेरे भाई को कुत्ता बोला, पता है वो उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा? और कुत्ता को पता चल गया कि उसको मैंने तुम्हारे भाई कहा तो देखो तुम बातें मत करो, मेरी ध्यान बात से सुनो, तुम्हें पापा मेरी ध्यान बात से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दो लाइनें देनी वो भी ठीक से नहीं बोली, मत हट। बातें मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पापा को चांद पे जमीन खरीद के देनी पड़ेगी। चांद को छोड़, उसको चंदा इकट्ठा कर रिक्शा ले, काम धाम शुरू करे वो अपना। हमारे पास यहाँ पे जमीन, मम्मा कहाँ से? तू चांद की जमीन? ये जो चोरी चकारी का काम करते रहते हो ना, बहुत मार खाओगे किसी दिन। तो ठीक है मार खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, पेट के अंदर कुछ तो जाएगा।